वचन सुनने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं पहले, फिर हमारी बहन पढ़ेंगी। भजन संहिता 139 का 23वां वचन है। हालेलुया, जिसके पास बाइबल है वो प्लीज बाइबल निकाल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पर देखिए। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 139 का 23वां 139:23 वर्स। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें क्या बताता है? यहां पर भजनकार कहता है कि हे पिता परमेश्वर, तू मुझे परख और मुझे जान, और क्या जान? मेरी चिंताओं को। एक मसीह की चिंता क्या होती है, एक विश्वासी की चिंता क्या होती है? कि मुझे यीशु मिल गया है, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर को हम जानने लगे हैं। पिता परमेश्वर ने हमें बताया कि हमारा घर स्वर्ग में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक विश्वासी की चिंता यह है कि पिता मैं तुझे जान गया हूं, यीशु मैंने तुझे पा लिया है, अब मेरी चिंता यह है कि तुम उससे दूर ना जाए। हालेलुया, इसलिए वो कहता है कि मुझे परख, मुझे टेस्ट कर, और एक दिन नहीं हर पल मुझे टेस्ट कर कि कहीं कुछ मुझमें कमी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात तो मुझमें नहीं आ गई है, कहीं अभी तक मुझमें संसार तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा मुझमें नशा तो नहीं है, कहीं कहीं मुझमें लालच तो नहीं है। मुझे टेस्ट कर, वो क्या कहता है? मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले। मनो को जांचने वाला यीशु है, हृदय को जान ले। क्या किया था यीशु मसीह ने, क्या किया था परमेश्वर ने? जब आपको चुना था, आपको लहू से शुद्ध किया था, पवित्र किया था, तो आपको नया मन दिया था। वो नया मन अभी भी नया है, वो नया मन पवित्र है। मेरे उस मन को जांच ले जो तूने मुझे दिया था, क्योंकि वो मन जो मेरे शरीर में पहले था उसने तो मुझे धोखा दिया था, उसने मुझसे सत्य को छुपाया था। वो मन तो धोखेबाज था, लेकिन ये मन जो तूने दिया है, इस मन में तेरी आराधना है, इस मन में तेरा नाम है, इस मन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति को मैं रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस मन में कुछ भी और रहे, संसार ना रहे, परमेश्वर मुझ में कोई भी ऐसी बात ना रहे जो मेरे मन में आए। मेरे मन में कौन रहे? परमेश्वर। इसलिए उसने कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कभी कभी हमारे चिंताओं का स्वरूप बदल जाता है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो मैं विषय लेना चाहता हूं, चिंताएं हैं। हम मसीह होने के बाद हमारी कई चिंता होती हैं, उनमें से एक चिंता, उसके विषय में हम आज बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या है चिंता? अगर आपके रिश्तेदार, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपका पिता, आपकी मां, आपके रिश्तेदार अगर प्रभु में नहीं है, तो आपको चिंता होती है, क्योंकि मैं तो यीशु में हूं, मैंने तो उद्धार पा लिया है, लेकिन मेरा पति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितनों की चिंता है ये। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आज मैं उस चिंता के बारे में बात करूंगा कि मेरे रिश्तेदार तो प्रभु में नहीं है, मैं प्रभु में हूं, इसलिए रिश्तेदारों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बाप के लिए, अपने मां के लिए मेरी चिंता है कि वो प्रभु में क्यों नहीं है। लेकिन उसके बाद ये चिंता अगर आपकी बढ़ जाती है, और चिंता अगर आपकी चिंता डर में बदल जाती है, डर किस चीज का? कि अगर मेरा रिश्ता, अगर मेरा रिश्ता जो प्रभु में नहीं है, कहीं मुझको खींच ना ले, कहीं उसकी वजह से मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं, क्योंकि वो रिश्ता मेरे लिए बहुत अहमियत है। वो मेरा पति, वो मेरा पिता, वो मेरी मां जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे लिए बहुत अहमियत है। इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं वो रिश्ता जो संसार में है मुझे खींच ना ले, मुझे प्रभु से दूर ना कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर चिंता का होना नाजायज, जायज सी बात है, लेकिन चिंता का डर में बदलना गलत है। अगर आपकी चिंता डर में बदलती है तो इसका मतलब कमी आप में। हालेलुया, मेरी चिंता है मेरी बहन, मेरे भाई जो भी दिल्ली में है, वो प्रभु में नहीं है, वो नहीं मानते प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड।
उन्होंने मुझे छोड़ दिया है कई साल पहले और वो मुझे मरा हुआ समझते हैं, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी चिंता है कि वो प्रभु में आए, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं है। डर आप चिंता का चिंता अगर आपके लिए डर बन जाए तो वो खतरनाक है। आर यू गेटिंग मी? चिंता अगर आपके लिए डर बन जाए तो वो आपके लिए खतरनाक है। और चिंता वो डर कब बनती है? जब आप कमजोर होते हैं, जब आप खुद प्रभु में कमजोर हैं, जब आप खुद यीशु में कमजोर हैं, जब आप में खुद यीशु नहीं है, जब आप में आप यीशु में कौन है नहीं जानते हैं, जब आप यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं। सर आप यीशु मसीह को ऊपरी तरीके से जानते हैं कि ऊपरी कि यीशु मसीह के सामर्थ से हमें चंगाई मिलती है, हमें सर्विस मिलती है, हमारा धंधा अच्छा चलता है, हालेलुया, शापों से मुक्त होते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से यीशु मसीह को नहीं जानते। जब आप पूरी तरीके से यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तब आपकी चिंता डर में बदल जाती है और तब शैतान काम करता है। हालेलुया। अगर आप पूरी तरीके से यीशु को जानेंगे, अगर आप जान गए कि यीशु मसीह कौन है, अगर आप जान गए कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, अगर आप जान गए कि यीशु धर्म लेकर नहीं आया लेकिन वही सक्षम है, वही है उद्धारकर्ता, वही है जिसने आकाश और धरती की रचना की, वही है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगा, वही है जो हमें मुक्ति दिलाएगा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। जिस दिन आपने ये जान लिया, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि यीशु है कौन और यीशु के बिना जीवन नहीं है, उस दिन आपका डर निकल जाएगा। उस दिन आपका डर निकल जाएगा, चाहे आपके पिता आए, चाहे आपका पति आए, चाहे आपकी पत्नी आए, चाहे कुछ भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चिंता तो है, फिक्र तो है कि मेरा रिश्ता प्रभु में नहीं है, लेकिन डर नहीं है। डर किस बात का? कि कहीं मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरा पति ये ना कह दे कि नहीं तुम प्रभु में जाती हो, तुम चर्च जाती हो, अब तुम अगर चर्च गई तो तुम घर पे नहीं आओगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कई परिवार देखे ऐसे, कई बहनें आती हैं मेरे पास प्रार्थना लेकर, कई भाई आते हैं प्रार्थना लेकर के उनके घर में, जब पूरे तरीके से पूरा परिवार जब प्रभु में नहीं होता है तो कितना प्रॉब्लम होता है, कितना प्रॉब्लम होता है। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियो 2:2 में, हालेलुया, पौलुस कहता है फिलिपियो 2:2 में कि आप एक ही मन और एक ही दृष्टि से अपने जीवन को बिताएं। आपका मन, आपकी सोच, आपका विचार पूरे परिवार का एक होना चाहिए। फिलिपियो 2:2 पढ़िए बेटा। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित, एक ही दृष्टिकोण से अपने जीवन को चलाओ। अगर आपके परिवार में आप प्रभु में हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं, और आपका पति, आपका भाई, आपकी बहन यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग हो जाएगा। एक ही दृष्टि से आप नहीं सोचेंगे, आप अलग अलग दृष्टि से सोचेंगे। जब आप अलग अलग दृष्टि से सोचेंगे तो आपके घर में शैतान काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से सोचेंगे, लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण एक होगा, अगर आप एक ही मन से परमेश्वर को समझेंगे, अगर एक ही दृष्टिकोण होगा आपका, तो आप जीवन में आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति अगर एक ही इच्छा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, दो व्यक्ति अगर एक ही मन से एक ही इच्छा के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुलता है और प्रार्थनाएं कबूल होती हैं। हालेलुया। इसलिए अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में अगर हम अलग अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा दृष्टिकोण अलग है, हमारा प्रेम अलग है, तो हम वो आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमें नहीं मिल पाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक ही दृष्टिकोण से अपने परिवार को चलाओ। आपका पूरा परिवार प्रभु में होना चाहिए। कभी कभी हमारी एक माँ का एक चिंता होती है कि उसकी बेटी है जिसकी उसे शादी करनी है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो चाहती है कि जो उसका होने वाला दामाद है वो विश्वासी हो, लेकिन जब विश्वासी नहीं मिलता है और एक सांसारिक मिलता है तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। वो कहती है कि मेरी बेटी जो अब तक प्रभु में थी अब क्या होगा, ये कहाँ जाएगी,
क्या प्रभु को पा पाएगी? क्या प्रभु में रह पाएगी? कहीं अपने पति की वजह से ये दूर तो नहीं हो जाएगी? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु कहता है कि मसीहों में ही शादी करनी चाहिए। जो प्रभु में है, हमें प्रभु में ही रहना है और हमें प्रभु में ही मिलना है। तब आप वो आशीष, वो अभिषेक, वो कृपा, वो पवित्रता परमेश्वर की हमेशा अपने नर पाएंगे। तब कोई भी मतभेद नहीं होगा, आपका दृष्टिकोण एक होगा, आपका प्रेम एक होगा। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम के संग क्या प्रॉब्लम थी? इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, उर देश से लेकर आया और उससे कहा कि अपने परिवार को छोड़कर मेरे पीछे आ, मैं तुझे वो भूमि दूंगा, वो कनान देश दूंगा, वो प्रॉमिसिंग लैंड दूंगा जो मैंने तेरे लिए रखी है, और तुझे इस दुनिया का मूल पिता बनाऊंगा। हालेलुया। इब्राहिम अपनी बीवी सारा को लेकर उर देश से निकला और परमेश्वर की बात मानते हुए वो कनान देश की ओर बढ़ता गया। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, 75 साल का जब वो था इब्राहिम, तब परमेश्वर ने उसे चुना। लेकिन इसाक जो वादा किया था परमेश्वर ने उसे बच्चा देने का, वो इसाक कब हुआ? 25 साल के बाद, यानी कि 24 साल के बाद, जब वो 99 वर्ष का हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्यों इतने वर्ष लगे इब्राहिम को बच्चा लेने के लिए? क्योंकि इब्राहिम पूरी तरीके से प्रभु में नहीं था। वो प्रभु को मानता था, वो प्रभु की आवाज सुनता था, वो विश्वास करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी पर भी, पत्नी का भी बोझ उसके ऊपर था, पत्नी की भी सुनता था, पत्नी को भी प्यार करता था, पत्नी भी उसको कहीं ना कहीं अगुवाई में लेके जाती थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर ने इब्राहिम से 4 बार वाचा बांधी, उसे दिखाए, सितारे दिखाए, उसे धूल के कण दिखाए कि सब कुछ ये तेरा होगा, इतनी औलाद होगी, इतना तेरा बड़ा वंश होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इब्राहिम ने फिर भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। जैसे सहरा ने कहा ये हाजरा है, मुझसे संतान नहीं होगी, इब्राहिम तू हाजरा के पास जा और उससे बच्चा पैदा कर, और इब्राहिम चला गया। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता था कि मैंने तुझे बढ़ाया है, मैं तेरे द्वारा जाति बढ़ाऊंगा। हेलो। जब हमारा दृष्टिकोण अलग हो जाता है, इब्राहिम का परमेश्वर दृष्टिकोण एक दूसरी ओर लेकर जाना चाहता था, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा बनाना चाहता था। परमेश्वर की योजना थी कि इब्राहिम के द्वारा मैं अपना राज्य खड़ा करूं, मैं अपनी प्रजा बढ़ाऊं। हालेलुया। लेकिन सारा ने एक नया दृष्टिकोण इब्राहिम को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अगर एक परिवार में 2 दृष्टिकोण होंगे तो परमेश्वर की योजनाएं काम नहीं करती हैं, या वो काम करती भी हैं तो उनमें देरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम मिस्र जाए, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम हाजरा को लेकर आए, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम अपने अपने भांजे, अपने भतीजे लूत को लेकर आए, नहीं चाहता था वो। हाजरा कहां से आई? मिस्र से। हाजरा उसके साथ उर देश से नहीं आई थी, मिस्र से इब्राहिम को मिली। और मिस्र में ये रीति थी कि दूसरे की औरत से आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे परिवार का हर सदस्य प्रभु में हो। बहुत जरूरी है कि हमारे परिवार का हर सदस्य परमेश्वर में हो, उसको जाने, उसको समझे और वचनों पर चले। तो क्या होगा? हमारा दृष्टिकोण एक होगा, हमारा प्रेम एक होगा, वो संयम, वो शक्ति जो परमेश्वर ने हमें दी है वो एक होगी, और वो एकता के साथ हम पूरे परिवार के साथ मिलेंगे और बढ़ेंगे यीशु के राज्य में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम नहीं कर पाया। अध्याय 16 में वो हाजरा के पास गया और बच्चा पैदा हुआ। अगर 16 का आखिर हम देखें, इश्माइल पैदा हुआ। उत्पत्ति 16 का अगर अंतिम वचनों में हम देखेंगे, इश्माइल पैदा हुआ। जब इश्माइल पैदा हुआ तो इब्राहिम कितने साल का था? 86 ईयर्स का था। जब इश्माइल पैदा हुआ तो इब्राहिम कितने साल का था? 86 साल का था। और अगर आप वचन पढ़ेंगे 17वां लगाइए, उत्पत्ति 17 का पहला, अगर आप उत्पत्ति 17 का पहला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 13 साल के बाद, 99 साल का जब इब्राहिम था तब परमेश्वर ने बात की, यानी कि 13 साल तक
परमेश्वर ने इब्राहिम से बात नहीं की, 13 साल तक परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग हो गया था। परमेश्वर जो दृष्टिकोण उसे दे रहा था उस दृष्टिकोण पर इब्राहिम नहीं चल रहा था, बिकॉज ऑफ सारा, क्योंकि सारा उसकी पत्नी थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके रिश्ते आपके साथ मजबूत नहीं होते हैं तो वो खींचने की कोशिश करते हैं, आपको दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं संसार भी है कुछ, प्रभु से दूर करते हैं आपके रिश्ते। इसलिए यहां पर उसकी चिंता है कि मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं, कहीं मेरे रिश्ते मुझे प्रभु से दूर ना कर दें, जैसे आपकी चिंता है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अपनी इस चिंता को अपना डर मत बनाइए, डर मत बनाइए, उस प्रभु को अपने अंदर रखिए, उस यीशु को अपने अंदर रखिए, प्रार्थना करिए, और आपका रिश्ता जो आपकी माँ है, आपकी बहन, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, विश्वास करिए यीशु आपके पास लेकर आएगा, अपने पास लेकर आएगा, और आप एक ही दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता 17 में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। 4 वाचाएं बांध चुका था परमेश्वर इब्राहिम के साथ। 17 में बोलता है, इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू क्या समझ रहा है मुझसे, तू क्या मेरी वाचा को समझता है, तू जो मुझसे वाचा बांधता है उस पर क्यों नहीं चलता है। यहां पर परमेश्वर बताता है कि मैं कौन हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो, क्योंकि तू अगर मेरी उपस्थिति में चलेगा तो ही सिद्ध होगा, तो ही तू मेरे योग्य है, तभी मैं तेरे द्वारा अपने राज्य की स्थापना करूंगा। इसलिए लहू की वाचा यहां पर लाता है परमेश्वर। हालेलुया। 17 अध्याय के बाद इब्राहिम ने परमेश्वर को जाना। हालेलुया। फिर अभिमेलेक के पास वहां पर गया और वहां पर पश्चाताप किया इब्राहिम ने, कि मैंने सारा से कहा था कि सारा तुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं तेरा भाई हूं। रेज द लॉर्ड। तब इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया। और देखिए, जैसे ही इब्राहिम ने परमेश्वर को जाना, जैसे ही उसने जाना कि नहीं परमेश्वर ही है जो सिद्ध कर सकता है, परमेश्वर ही है जो आपको जीवन दे सकता है, परमेश्वर ही है जो आपको पापों शापों से मुक्त कर सकता है, परमेश्वर ही है जो आपको पूरी तरीके से दीन और सिद्ध कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं है। जैसे ही उसने जाना, अध्याय 22 में परमेश्वर ने परीक्षा की और उससे क्या कहा, क्या कहा, इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्यार करता है उसका बलिदान कर, मौर्या देश में चल और बलिदान कर उसका। हालेलुया। यहां आप देखिए, यहां पर उसके लिए कोई चिंता नहीं थी, इब्राहिम चिंता मुक्त था, इब्राहिम के अंदर कोई डर नहीं था। जो आदमी अपनी बीवी सारा के कहने पर किसी और औरत के संग चला गया, उसने परमेश्वर की बात को मोड़ दिया, परमेश्वर की बात नहीं मानी, अनसुना किया, उसने परमेश्वर की बात सुनकर अपनी बीवी से पूछने नहीं गया वो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बीवी से पूछने नहीं गया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को माना है, उसने बलिदान के लिए मांगा, क्या करें, बीवी से पूछने नहीं गया, क्योंकि वो जान गया था कि प्रभु कौन है, वो जान गया कि परमेश्वर ने मुझसे मांगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे कुछ मांगा है। मेरे भाई, हमें यह जानने के लिए अपने कानों को खोलना है, अपनी आत्मा को खोलना है, अपनी आत्मा में चलना है कि प्रभु मुझसे क्या मांग रहा है। मुझे जो जीवन दिया है परमेश्वर ने, मुझे जो शुद्ध किया है परमेश्वर ने, अपनी आत्मा से मुझे भर दिया है, मुझे क्या करना है। हे प्रभु, मुझे बता कि मैं तेरे योग्य कौन सी चाल चलूं। हालेलुया। इब्राहिम ने कहा, प्रभु तूने मुझसे मांगा है। सुबह उठ गया, गधे की काठी आपका टाइट कर रहा है वो, लादने के लिए अपने बेटे को रखने के लिए। उसने अपनी बीवी से नहीं पूछा, अपने बेटे को नहीं बताया,
कि परमेश्वर ने तुझे बलिदान के लिए मांगा है। प्रेज द लॉर्ड, ये चाहता है परमेश्वर। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा जब आप परमेश्वर को समझ लेंगे, जब परमेश्वर को आप अपना आधार बना लेंगे, जब आप परमेश्वर के बिना कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। वो सुबह तड़के, बाइबल कहती है कि सुबह सुबह अंधेरा ही था, सुबह नहीं हुई थी, वो उठ गया। रात भर सोया नहीं कि मुझसे पिता ने कुछ मांगा है, आज मैं पिता की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। वो मौर्या देश जहां वो रहता था वहां से 3 दिन का रास्ता था, उसने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लिया, लकड़ियों का कट्ठा लिया और वहां चला गया। हालेलुया। वहां पहुंचकर उसने अपने चेलों से कहा, अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं और इसहाक जाके आराधना करके आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप पूरी तरीके से यीशु को नहीं जानेंगे, जब तक पूरी तरीके से यीशु आप में नहीं बसेगा, जब तक आप पूरी तरीके से परमेश्वर को अपने अंदर नहीं लेंगे, मेरी बहन, आप आराधना नहीं कर पाएंगे। आप आराधना नहीं कर पाएंगे, आप आराधना का मतलब नहीं समझ पाएंगे। आराधना क्या है? इब्राहिम आराधना का मतलब जान गया था। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कलीसिया में आते हैं मेरी बहन, प्रेज द लॉर्ड, अगर कोई सीट खाली है और वो गंदी है, उसको साफ करना भी आराधना है। प्रेज द लॉर्ड। आप आते हैं और चप्पलों की लाइन लगी हुई है, व्यवस्थित नहीं है, और आपका मन कहता है, आपके मन में परमेश्वर बोझ डालता है, उसको आप ठीक करते हैं, वो भी आराधना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा आराधना है, परमेश्वर को खुश करना आराधना है, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना आराधना है। वो आराधना के लिए वहां गया। इसहाक ने पूछा कि बलि का बछड़ा कहां है, परमेश्वर ने कहा है ऊपर देंगे। हालेलुया। कितना बड़ा था इसहाक वहां उस समय, कोई बताएगा? कितनी उम्र थी इसहाक की उस समय, जिसको इसहाक जिसको इब्राहिम ले गया? कितनी उम्र थी? 12 कह रहे हैं आप। 40 साल। उसकी उम्र होगी तकरीबन 32 साल। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति अध्याय 23 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सारा है वो 127 साल की होके मर गई। सारा कब मरी? जब वो 127 साल की थी। और 22वें अध्याय में मोरिया पर्वत पर अपना इब्राहिम उसे लेके जा रहा है। अगर आप उस दृश्य को देखें मेरी बहन, प्रेज द लॉर्ड, वही दृश्य जब यीशु अपने क्रूस को उठाकर जा रहा है, उस वही मौर्या पर्वत, वही कलवरी। और यहां पर आप देखिए, वही इब्राहिम, वही इसहाक अपने लकड़ी का बंडल लेकर पर्वत पर जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। पर्वत पर जा रहा है, मौर्या पर्वत पर जा रहा है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए। देखिए आप यहां पर, आप देखिए, जब इब्राहिम सारा के साथ था उसका दृष्टिकोण एक नहीं था, जब सारा जब पूरी तरीके से परमेश्वर इब्राहिम में नहीं था तो वो हाजरा के पास गया। लेकिन यहां पर बाप बेटे का दृष्टिकोण देखिए, बाप बेटे प्रभु में थे। जब एक दृष्टिकोण होता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब आपका एक दृष्टिकोण होता है, जब आपके परिवार का एक दृष्टिकोण होता है तो क्या होता है? मौर्या पर्वत पर इब्राहिम गया, उसने वेदी लगाई। हालेलुया। और अपने इकलौते पुत्र को जो 32 साल का था, वो रिवोल्ट कर सकता था, उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे। इसहाक समझ गया कि मेरा बलिदान होना है। हालेलुया। लेकिन उसका दृष्टिकोण और इब्राहिम का दृष्टिकोण एक था। क्या दृष्टिकोण था? पिता की आज्ञा पर समर्पित करना, पिता की आज्ञा सामने नतमस्तक हो जाना, पिता की आज्ञा पहला उद्देश्य था उनका। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं बोला इसहाक, उसके हाथ पैर बांधे, उसका मुंह नहीं बांधा था। वो बोल सकता था कि पिता, मैं तेरा इकलौता बेटा हूं, तू मुझे बलि कर रहा है, 99 साल के बाद तू मुझे मिला है। लेकिन नहीं,
क्योंकि इसहाक का दृष्टिकोण था प्रभु को प्रसन्न करना। आमेन। प्रभु को प्रसन्न करना, हमारा दृष्टिकोण क्या है? प्रभु को प्रसन्न करना, उसकी इच्छाओं पर चलना। आज हम कलीसिया क्यों आते हैं? ताकि हम प्रभु की इच्छा को जानें और उस पर चलें। सिर्फ जानें नहीं, अपने जीवन में उसके अनुसार चलें। हम वो काम करें जो परमेश्वर चाहता है, हम वो काम ना करें जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हम वो सुख ना उठाएं जो परमेश्वर नहीं चाहता है, हम वो सुख उठाएं जो परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है दृष्टिकोण। जब आपके परिवार में सभी एक साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आपके दृष्टिकोण में सामर्थ आता है। परमेश्वर का सामर्थ आपके परिवार में बहता है। इसलिए आपका चिंता करना अच्छा है कि मेरा परिवार प्रभु में नहीं है, मेरा पति परिवार, मेरी बेटी, मेरी बेटा, होने वाला दामाद प्रभु में नहीं है। लेकिन उसके लिए काम आप ही को करना है, काम आपको करना है। हालेलुया। पहला पत्रस 3:1-4। हालेलुया। ध्यान से सुनिए इन वचनों को, ये वचन आपका जीवन बदल देंगे। ध्यान से सुनिए, हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, हमें किस तरीके से अपने रिश्तों के संग रहना है। हालेलुया। पति पत्नियों की बात कह रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। पढ़िए बेटा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड। वो पत्नी जो मसीह है, वो पत्नी जो विश्वासी है, अगर उसका पति विश्वासी नहीं है तो क्या कहने के लिए कर रहा है? अधीन रहो। प्रेज द लॉर्ड। अधीन रहो। आगे दूसरा। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। इसलिए अगर इनमें से कोई ऐसा हो, कोई वती ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, जो प्रभु को ना मानता हो, जो मसीह ना हो, जो विश्वासी ना हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन को अपनी अपनी पत्नी की चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर तेरा पति ऐसा है, पत्नी, अगर वो प्रभु को नहीं मानता, वचन को नहीं मानता, तो तेरे चाल चलन को देखकर, तेरी पवित्रता को देखकर, तेरे काम करने के तरीके को देखकर वो प्रभु को जाने, वो प्रभु को जाने और प्रभु में आ जाए। हालेलुया। इसलिए हमें सिर्फ कलीसिया में ही मसीहत नहीं दिखानी है, हमें अपने घर में भी मसीहत दिखानी है। हमें अपने दोस्तों के संग बैठना है मसीह बनकर। हमें यीशु दिखना चाहिए, हम जहां चले हमें यीशु दिखना चाहिए। हम अपने स्कूल में जा रहे हैं, अपने कॉलेज में जा रहे हैं, अपनी सर्विस के लिए जा रहे हैं, हमें यीशु दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें यीशु दिखना चाहिए। इसलिए वो कहता है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। आपका चाल चलन आपके पति को खींचना चाहिए। अगर आपका पति शराब पीता है, कुछ मत कहिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। वो घर में आता है, उसको कुछ बना के दीजिए, खाइए, प्रार्थना करिए। अपनी पत्नी का धर्म निभाइए, कर्तव्य निभाइए, लड़िए मत। आपके बच्चे पढ़ाई में नहीं है, मस्ती करते हैं, मत बोलिए कि आप मस्ती मत करिए, मस्ती मत बोलिए, आप मत बोलिए कि वो तुम शैतान हो, तुम शैतानी कर रहे हो। प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनके मन को, उनकी बुद्धि को बदलेगा। आप यीशु जैसे बनिए, आप में वो स्वभाव होना चाहिए जो प्रभु में है। आप देखिए, आपके जितने भी आसपास के लोग हैं वो बदलना शुरू कर देंगे। कौन बदलेगा उनको? आप नहीं, यीशु जो आप में है। जिस दिन आपके पति ने, जिस दिन आपकी पत्नी ने, जिस दिन आपके पिता ने, जिस दिन आपकी माता ने, जिस दिन आपके पड़ोसी ने आपके अंदर यीशु को देखना शुरू कर दिया, उस दिन उसका बदलना निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा यीशु मनों को जांचने वाला है,
मनों को बदलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि अगर आपका रिश्ता, आपके रिश्तेदार अगर प्रभु में नहीं है, तो आपको यीशु को मिलवाना पड़ेगा उनको। अगर वो नहीं चाहते कि बाइबल पढ़ो, वचन, उनके साथ वचनों से बात करिए, प्रार्थना में रहिए, सब्र करिए, धीरज रखिए, पवित्र आत्मा के जो नौ फल हैं उन नौ फलों के साथ अपने जीवन को बिताइए। संसार अपने अंदर लेके मत जाइए। बहुत पेशेंस, और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, बहुत धीरज रखना पड़ेगा। क्या कर रहा है परमेश्वर आज? वो सर्व शक्तिमान, वो रचयिता जिसने आकाश और धरती की रचना की, आज वो कैसा है? धीरजवंत। आज वो धीरजवंत होकर हमें देख रहा है, हमारी छोटी छोटी गलतियों को वो क्षमा कर रहा है। अभी भी वो चांस दे रहा है। क्यों लेट कर रहा है आने में? क्योंकि वो हमें चांस दे रहा है कि हम अभी भी सुधर जाएं, हम अभी भी प्रभु में आएं, हमारे अंदर अभी भी प्रभु आ जाए, यीशु आ जाए, हमारा स्वभाव यीशु जैसा हो जाए। वो सब्र कर रहा है क्योंकि एक बार वो आ गया मेरे भाई बहन और आपको ले गया, उसके बाद इस धरती का नाश हो जाएगा। अगर आप रेवल्यूशन पढ़ेंगे 6-7-8 तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह खुद नष्ट कर देगा, इस धरती को नष्ट कर देगा। जो जानवर आज आपके आहट से भाग जाते हैं, वही जानवर आपको खाटेंगे, खाएंगे। आपको भागना पड़ेगा, इतना बुरा वक्त आ रहा है। इसलिए अपने आप को प्रभु में रखिए। प्रभु आपकी हर तरीके से सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हर तरीके से आपको आशीष देने के लिए तैयार है। उसने अपनी आत्मा को उड़ेला है आपके अंदर। Praise the Lord। इसलिए अपने अंदर यीशु को रखिए और यीशु की शक्ति को जानिए कि यीशु की शक्ति आप में कौन क्या है। जिस दिन आप अपनी शक्ति को, यीशु की शक्ति को अपने अंदर जान लेंगे, उस दिन आप अपने रिश्तों से डरेंगे नहीं। प्रार्थना करेंगे कि मेरा पिता नहीं आ रहा है, प्रार्थना करिए। मेरा पति नहीं आ रहा है, प्रार्थना करिए। लेकिन डर नहीं होगा आपके अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम और जोसेफ का उदाहरण अगर आप देखेंगे तो अद्भुत उदाहरण है। मरियम और जोसेफ, जिनकी मंगनी हो चुकी थी, जो प्यार करते थे एक दूसरे से, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही जिब्राइल दूत आया और उसने कहा कि मरियम, परमेश्वर ने मांग लिया है कि तू मां बनेगी और एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम यीशु होगा। हालेलुया। जोसेफ उस समय नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, जोसेफ नहीं था, लेकिन मरियम प्रभु को जानती थी, प्रभु के सामर्थ को जानती थी, उसके उद्धार को जानती थी। वो जानती थी वो कौन है, वो जानती थी प्रभु की, परमेश्वर की कीमत क्या है। इसीलिए उसने इमीडिएट बिना जोसेफ से पूछे हां कर दी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे जोसेफ से पूछने दो। वो डरी नहीं कि व्यवस्था कहती है कि अगर कोई भी कुमारी मां बनेगी उसे पत्थर से मार दिया जाएगा। अगर जोसेफ नहीं समझा तो मुझे त्याग देगा। उसने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर, वो जान गए कि प्रभु कौन है। इसलिए उसने जिब्राइल दूत से कहा तू अपने वचनों के अनुसार कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। क्योंकि वो जानती है कि वचनों की कीमत क्या है, वचन आपको क्या देने वाले हैं, परमेश्वर की योजनाएं क्या है। मेरे भाई, जिस दिन आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर की योजनाएं क्या है, उसने आपको क्यों चुना है, आपको क्या बनाना चाहता है वो, जिस दिन आप जान जाएंगे कि उसकी ताकत, उसकी योजना क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है आपके लिए। हम क्यों पीछे हटते हैं, हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने लिए नहीं जानते। आप परमेश्वर की योजनाओं को वहीं तक सीमित करते हैं कि यीशु मसीह को उसने धरती पर भेजा और हमें शुद्ध किया। नहीं, उसकी योजनाएं हम तक लागू हैं।
इस समय भी उसकी योजना हमारे जीवन में काम कर रही है। हालेलुया। जिस दिन आप जान जाएंगे, जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हैं। हेलो, आप लोग समझ रहे हैं? जिस दिन आप जान जाएंगे कि आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, उस मार्ग पर जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा धरती पर लेकर आया, उस मार्ग पर चिन्ह के रूप में आपको खड़ा करके परमेश्वर अपनी योजना पूरी करना चाहता है। हालेलुया। उस दिन आप उस मार्ग से हटेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप उस मार्ग से हटे तो वो चिन्ह निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बॉलीवुड में जब शूटिंग होती है, जब हम शूटिंग किया करते थे, मैं बीइंग ए डायरेक्टर, मैंने कई सीरियल्स और टेलीफिल्म बनाई हैं। जॉनी भाई को हमने लिया है, परमेश्वर ने कृपा की, साथ में काम किया और बहुत अद्भुत आशीष मिला है। हालेलुया। मिरेकल ऑन द आपका बेकर स्ट्रीट, जॉनी भाई ने ही मुझे वो फिल्म दिलवाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ऐसे डायरेक्टर, ऐसे कैमरामैन, जब वो शॉट लेना चाहता है तो लाइटिंग के लिए किसी को खड़ा करता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड कि आप यहां खड़े हो जाइए चिन्ह के रूप में, कि आप यहां खड़े होंगे, ये यहां खड़े होंगे, यहां यहां खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो लाइटिंग होती है, तब वो उसकी पूरी योजना जो पिक्चर की होती है, जो फिल्म की होती है, जो सीन को पिक्चराइज करने की होती है, वो पूरी होती है। अगर वो भाई जिसको उसने वहां खड़ा किया है अगर वहां से हट जाएगा तो उसकी प्लानिंग हट जाएगी, तो उसकी जो आपका लाइटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमें वहीं खड़ा होना पड़ता है, किसी असिस्टेंट को वहां खड़े होना है, आधा घंटा एक घंटा वहीं खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर की योजना आपके द्वारा काम कर रही है। इसलिए वो बोलता है जाओ और सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर अगर आपको किसी पड़ोसी के पास लेके जा रहा है और आपके पड़ोसी को आपने सुसमाचार सुनाया और उसका उद्धार हुआ, तो आप नहीं जानते कि परमेश्वर की योजना थी कि आप वहां जाएं। हेलो, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। आपको हर पल यह महसूस करना है, परमेश्वर को बोलना है कि हम तेरे लिए उपलब्ध हैं। वो किसको यूज करता है? जो उपलब्ध होता है, जो कहता है कि मुझे उपलब्ध है, जो कहता है मुझे यूज करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो कहता है कि अपने अंदर से डर निकाल और मुझे जान, मुझे जान। आज मेरे मन में एक फिक्र है कि मेरी बहन का क्या होगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरी बहन को चुन, ताकि मेरी बहन दिल्ली से आए और परमेश्वर का आशीष पाए और हम पूरा परिवार एक साथ मिलकर उसकी सेवा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी तक नहीं है, अभी तक मेरी बहन प्रभु को नहीं जानती है, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं है कोई, वो नहीं बात करती है, ना करे, उसने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल परमेश्वर उसे लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने जब जिब्राइल दूत के सामने ये डिसीजन लिया कि तेरे वचन मेरे जीवन में काम करें, तू अपने वचन के अनुसार काम कर। हालेलुया। इसका पहला लूका 1 का 46, 47, 48, 9 ये दिखाइए आप। वो जान गई थी कि वो क्या कर रही है, तभी उसे डर नहीं लगा कि जोसेफ को नहीं पता, उसे डर नहीं लगा कि अगर जोसेफ को पता लगेगा तो क्या होगा, क्योंकि वो जानती थी वो क्या कर रही है। लूका पहला 46। तब मरियम ने कहा, मेरा प्रभु, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक कुमारी मां बन रही है,
जो संसार के नियमों के विरुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड, उसकी सगाई हुई है, उसकी मंगनी हुई है, उसका होने वाला पति नहीं जानता है, फिर भी वो क्या कहती है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, क्योंकि वो ये जान रही है कि सबसे जरूरी परमेश्वर की योजना मेरे लिए काम कर रही है, मेरे द्वारा परमेश्वर की योजना काम कर रही है, मेरे द्वारा एक उद्धारकर्ता जन्म ले रहा है जो संसार का उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, वो उस कीमत को जान गई जिस दिन आप सुसमाचार सुनाने के लिए निकलेंगे, और जिस दिन आप जान जाएंगे कि आपके सुसमाचार सुनाने से एक आत्मा नाश होने से बच रही है, एक आत्मा का नाश नहीं हो रहा है, वो बचाए जा रही है, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपका सुसमाचार सुनाना, आपका घर से निकलना, प्रभु का काम करना कितना मायने रखता है, कितना मायने रखता है। एक तरफ 500 रुपए कमाना एक घंटे में, 1000 रुपए कमाना एक घंटे में, और एक तरफ एक आत्मा को बचाना, वो आत्मा जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो आत्मा जो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। आप सोचिए कि अगर उस भाई ने, जिस भाई ने मुझे बचाया, जिस भाई ने आपको बचाया, जिस बहन ने आपको बचाया, अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो आज हम कहां होते। प्रेज द लॉर्ड, आज हमारे बचाने वाला वो भाई जो मेरे घर में आया था सलिल, वो मेरी दोस्त माधवी, आज भी मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि अगर वो नहीं आते और मुझे नहीं बताते तो मैं आज वही बॉलीवुड में फंसा होता, दारू पी रहा होता, फिल्में बनाता, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के साथ एक्टर होता, लेकिन शांति नहीं होती। हाँ, धन्यवाद। इसलिए अगर आपका निकलना किसी के जीवन को बदल सकता है तो मेरी बहन निकलिए, अपनी दीन का त्याग करिए, अपने सुख का त्याग करिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए नींद नहीं है, परमेश्वर की योजना एक आत्मा है जो आपके द्वारा जीतना चाहता है, आपके द्वारा जीतना चाहता है, इसलिए उसने आपको बनाया है। इसलिए वो कहती है, वो समझ गई है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। 47, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक आनंद मिला उसे, शांति मिली। ये कौन समझ सकता है मेरे भाई? इधर मरियम का सब कुछ जाने वाला है, उसको उसकी चिंता नहीं है कि मुझे जोसेफ नहीं मिलेगा, मेरा परिवार मुझे छोड़ देगा, मुझे संतान मार देगा, लेकिन वो आत्मा में आनंदित हुई कि प्रभु का आशीष, प्रभु की रूह मुझ पर उतरेगा। हालेलुया। आगे, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। वो क्या कह रही है? जानती है वो कि परमेश्वर कौन है, मुझे क्यों चुना है, मेरे द्वारा क्या हो रहा है। उसने क्या कहा कि अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, और आज भी कहते हैं, मरियम को धन्य कहते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आनंद दिया उसने अपनी आत्मा को, वो जान गई थी, इसलिए उसे अपने रिश्ते के लिए कोई चिंता नहीं थी कि मैं रिश्ता मुझे नहीं मिलेगा, ना सही, मैं युग युग तक जानी जाऊंगी, मैं वो काम करने जा रही हूं। इसलिए मेरे भाई, अगर आपको परमेश्वर ने जीवन दिया है, और अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपको चुना है, उस चुनाव की कीमत को समझिए,
उस चुनाव की कीमत को समझिए, ऐसे मत जिंदगी जिए। हमें ऐसे नहीं जिंदगी जीनी है। हमारे जीवन के द्वारा आत्माओं का प्रभु के क्षेत्र में आना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमको चुना किसी मकसद से, किसी मकसद से परमेश्वर ने हमको चुना है, ऐसे नहीं चुन लिया। और मसीह बनने के बाद अगर आपके जीवन में कोई मकसद नहीं है मेरी बहन, आई एम सॉरी, मैं आपसे लज्जित हूं, मैं आपसे शर्मिंदा हूं अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है। एक पास्टर होने के नाते मैं आपसे शर्मिंदा हूं अगर आपके अंदर बोझ नहीं है, अगर आपके अंदर बोझ नहीं है आत्माओं का, अगर आपके अंदर बोझ नहीं है यीशु का, अगर आपके बोझ नहीं है उसके वचन का, आई एम सॉरी। हमें किसके लिए जीना है? हमें प्रभु के लिए जीना है। वो हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियन 5:15। हेलो, हमें किसके लिए जीना है? किसके लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों जीना है? देखिए दूसरा करते हैं 5:15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें किसके लिए जीना है? उसके लिए, उस इशू के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया मेरे लिए। जिस दिन आप ये एहसास करेंगे मेरे भाई कि यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु मेरे लिए मरा है, उसका लहू मेरे अंदर है, उसके लहू से मेरा उद्धार हुआ है। जिस दिन उस क्रूस पर, जब आप क्रूस को देखते हैं क्या समझते हैं? जब आप क्रूस से निकलते हैं, जाते हैं ना कई बार मोटरसाइकिल से, गाड़ी में क्रूस लगे होंगे, क्रॉस लगे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी उस क्रॉस को रुक के देखा है? जब भी उस क्रॉस को मैं देखता हूं तो मैं अपने आप को उस क्रॉस पर परमेश्वर का सताया हुआ, जो मेरे पापों को उसने क्रॉस पर लिया, मैं देखता हूं कि मैं उस क्रूस पर मरा हुआ हूं, मेरे पाप उस क्रूस पर मरे हुए हैं, यीशु मेरे लिए मरा है उस क्रूस पर। वो जख्म जो यीशु मसीह के थे उसने मेरे लिए थे, जो दर्द मुझे मिलने वाला था यीशु मसीह ने ले लिया। आज मैं शान से जिंदा हूं, मैं स्वर्गीय अधिकारी हूं, मैं स्वर्ग का अधिकारी बन गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो अधिकार किसने दिया मुझे? यीशु ने, जो क्रूस पर मेरे लिए मरा। इसलिए मेरी बहन, प्रभु को देखते हुए, उस क्रूस को देखते हुए महसूस करिए कि आप मुरे हैं, आपका जो वो मनुष्यत्व है जो पापी था उसको क्रूस मार दिया और आपको एक नया जीवन दिया, एक आपको नई सृष्टि दी। आप नई सृष्टि में, जिस दिन आप, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कि आप नई सृष्टि में हैं, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कि यीशु आपके लिए मरा है, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कि यीशु मसीह से, यीशु मसीह के लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूं, मैं पवित्र हूं, वो सामर्थ्य जो परमेश्वर का है आपके अंदर काम नहीं करेगा। आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा। हालेलुया। मरियम ने महसूस कर लिया था, इसलिए वो कहती है युगों युगों तक लोग मुझे धन्य कहेंगे क्योंकि मैंने प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में उतार लिया है। प्रभु की योजनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए उसकी क्या सोच थी। हम अपने जीवन में ही खुश रहना चाहते हैं, अपने 60 साल 70 साल 80 साल की जिंदगी में ही अपना सुकून है। कभी आपने सोचा है कि आगे आने वाले युग, आगे आने वाली पीढ़ी, जिस तरह मरियम को जानती थी, पतरस को जानती थी, पौलुस को जानती थी, मुझे भी जाने कि मैं परमेश्वर का सच्चा गवाह हूं, मैं यीशु मसीह का गवाह हूं,
प्रेज द लॉर्ड। वो आनंद जो मरियम को मिला था कभी आपने महसूस किया? महसूस करिए मेरी बहन, महसूस करिए। वो आनंद ही सर्वोच्च है और दूसरा कोई आनंद नहीं है। इसका अगला मरियम का, वो पहला लुका का पहला 49। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। बड़े बड़े काम किए उसने। क्या बड़े काम किए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए उसकी कोई सहेली होगी और वो यीशु को नहीं जानती होगी और उसके सामने ये बोले कि परमेश्वर ने मेरे बड़े बड़े काम किए, तो पागल होगी, क्या बोल रही है? जरा सा किसी को पता लग गया कि तू मां है, लोग तुझे मार देंगे। अरे जिस परमेश्वर की तू बड़ाई कर रही है उसने तेरे रास्ते बंद कर दिए, तू कहीं सिर उठा के चल नहीं सकती। तू शादी के बिना कैसे कहेगी मेरा बेटा ही है? तेरे तो रास्ते बंद कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो जानती है कि मुझे क्या मिला है। जैसे आपकी दोस्त, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके सहेली, आपके फ्रेंड्स, जब आप वो जो इशू को नहीं जानते, जब आपको कहते हैं अरे कहाँ जाते हो, चर्च जा रहे हो, अरे अच्छा 40 डेज का उपवास कर रहे हो, अरे अच्छा क्या मिलता है आप लोगों को, उनको नहीं पता है कि आपको क्या सुख मिला है। आमेन। आज भी कई दोस्त होंगे जो आपके नहीं जानते होंगे प्रभु को और आप उनसे बोलते होंगे नहीं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। हो सकता है वो आपका मजाक उड़ाते होंगे, अरे क्या है इसमें, क्योंकि वो आपके आनंद को नहीं जान रहे हैं, वो हमारे आनंद को नहीं जान रहे हैं। मेरी बहन मेरे आनंद को नहीं जान रही है कि मुझे क्या मिल गया है, और जो मुझे मिला है वो इतना सर्वोच्च है कि उसके लिए दुनिया भी छोटी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस संसार की कोई कीमत नहीं है उस एक के सामने, उसका नाम है यीशु मसीह। कोई कीमत नहीं है। लेकिन इसमें हमारी, आज हम देखिए, आज यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, मत्ती 11:1, यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए। देखिए ये आपका फर्ज है। अगर आप जानते हैं कि आपकी कोई बहन है, आपकी कोई दोस्त है, अगर उसका पति प्रभु में नहीं है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसके घर में जाएं। ये हमारा फर्ज बनता है एक चर्च के नाते कि हम अपने परिवारों को, जो हमारे परिवार आ रहे हैं, अगर आप अकेली हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके पति को भी लाने के लिए कोशिश करूं। प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी है कि आप अपने दोस्त की मदद करें, उसके घर जाएं, उसका सुसमाचार सुनाएं। ना सही हम दूसरी जगह जाएं, लेकिन हमारा एक घर मुकम्मल होना चाहिए, हमारा एक परिवार। अगर आप एक परिवार का हिस्सा हैं तो आपका पूरा परिवार प्रभु में आना चाहिए। आप सोचिए, अगर यहां 200 आते हैं, 200 भाई बहन आते हैं, मान लीजिए यहां 200 परिवार आएंगे तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। वो दृष्टिकोण जो परमेश्वर का है, वो जो पौलुस ने कहा, वो दृष्टिकोण हमारे जीवन में काम करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह करते थे, क्या करते थे देखिए। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना और उनको आज्ञा दी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, तो उन्होंने क्या किया सुनिए। तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। अपने चेलों को भेजने के बाद यीशु मसीह कहां गया? उनके नगरों में, उनके घरों में गया। पतरस के घर गया, यूहन्ना के घर गया, जब्दी के पुत्रों के घर गया, अंद्रियास के घर गया। मैं हूं यीशु, तेरे बच्चे मेरे चेले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर इनके परिवार मजबूत नहीं होंगे तो इनके परिवार इनको खींच सकते हैं, शैतान इनके परिवार के द्वारा इनके जीवन में काम कर सकता है। इसलिए हमें, अगर हम जानते हैं कोई परिवार
उस परिवार को मजबूत करना है हमें। तब आप परमेश्वर के सामर्थ को समझ सकेंगे, तब परमेश्वर का सामर्थ आपके परिवार में काम करेगा। हालेलुया। यीशु करते थे, अपने चेलों के घर जाते थे, उनके गांव में जाते थे, उनको सुसमाचार देते थे, उनको बताते थे परमेश्वर कौन है। हमें अपना समय निकाल के करना है ये काम, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। प्रॉब्लम तो ये, हमारे पास समय नहीं, बिल्कुल समय नहीं है। हम बहुत बिजी हैं, घर से निकलना ही नहीं चाहते। एक बार घर में घुस जाते हैं तो निकलना ही नहीं चाहते। वो टीवी, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम निकलते ही नहीं। हमें कोई मतलब नहीं हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। नहीं, हमारा, हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, हमें दूसरों के लिए यीशु बनना है। मेरे पीछे बोलिए, हमें दूसरों के लिए यीशु बनना है। हमें दूसरों के लिए यीशु बनना है, क्योंकि यीशु आपके अंदर है, उसका मन आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपकी जो चिंता है कि आपका रिश्ते, आपका रिश्तेदार प्रभु में नहीं है, डर में नहीं बदलेगी। आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर प्रभु है और आप के द्वारा यीशु काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज नहीं तो कल, अगर आपका परिवार, आपके रिश्तेदार प्रभु में नहीं है, विश्वास करिए, आएंगे। क्योंकि आप यीशु के द्वारा काम कर रहे हैं, यीशु आप में है, आप यीशु को समझ रहे हैं, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। हमें अपने जीवन को ऐसे नहीं बिताना ब्रदर, कलीसिया आना है, ठहरना है, फिर जाना है, नहीं, एक हफ्ते के बाद फिर मिलना है, नहीं मेरी बहन, प्लीज। हमें जो जीवन मिला है बहुत बहुत अमूल्य जीवन है, बहुत कीमती जीवन है। उस जीवन को हमें यूं ही नहीं बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके अंग हैं, इसलिए हमें उस डाली में रहना है, बने हुए रहना है, उस दाखलता के साथ हमें बने हुए रहना है। तब उस दाखलता का जो आशीष है वो हमारे अंदर बहेगा, उसकी रूह हमारे अंदर बहेगी, उसका ज्ञान हमारे अंदर बहेगा, उसकी वाचा हमारे अंदर जीवित रहेगी। हालेलुया। और हर पल वो वाचा हमें बोझ देगी, उसकी आत्मा हमें बोझ देगी कि हमें प्रार्थना करनी है, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करनी है, चिंता करनी है, चिंता नहीं करनी है, डर नहीं करना है, डरना नहीं है। हमें अपने परिवारों को प्रभु में लाना है, अपने रिश्तेदारों को प्रभु में लाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितनों ने वचन कबूल किया? हालेलुया। आपको आशीष मिला? बोलिए यीशु मसीह की।